बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स थी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। बेटा, आज हम प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन, इनपुट डिवाइसेस। नंबर टू, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। नंबर थ्री, आउटपुट डिवाइसेस। एंड नंबर फोर, स्टोरेज डिवाइसेस। बेटा, ये वो फोर प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर कंप्यूटर बना है। बेटा, फर्स्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। उस डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इनपुट्स डेटा, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो लेक्चर के एंड पे मैंने कहा था कि इस डेफिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड द सेकंड पार्ट इज दैट इनपुट्स डेटा, प्रोसेस इट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। बेटा, जो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है, ये बेसिकली कंप्यूटर के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करता है कि कंप्यूटर काम किस तरह करता है। कंप्यूटर डेटा एंटर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। उसकी पिक्टोरियल फॉर्म को भी हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर डेटा एंटर करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इस टॉपिक में हमने कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है और इन प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हुए हमने कंप्यूटर के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को माइंड में रखना है। जैसे इसको अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं, तो मुझे ये पता चलता है कि कंप्यूटर डेटा एंटर करता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए मुझे कुछ डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगी और जो डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। उसके बाद जब वो डेटा कंप्यूटर में एंटर हो जाता है तो उस डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। तो कंप्यूटर में जो डिवाइसेस उस डेटा को प्रोसेस करती हैं उन डिवाइसेस को प्रोसेसिंग डिवाइसेस कहा जाता है। उसके बाद जब वो डाटा प्रोसेस हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है। नंबर फोर, स्टोरेज डिवाइसेस। तो अगर मैं उस डाटा को या उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर करना चाहूँ तो मुझे स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। मैं उन स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा को या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकता हूँ। तो बेटा, इन प्राइमरी कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को समझने के लिए मुझे पहले ये देखना होगा कि इनपुट क्या होती है। एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच एज डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। कंप्यूटर को आप जो कुछ भी देते हैं, कंप्यूटर में आप जो कुछ भी एंटर करते हैं, चाहे वो डेटा हो या वो इंस्ट्रक्शंस हो, उसको हम इनपुट कहते हैं। और इसी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए जिन डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। मतलब यह है कि आप कंप्यूटर में जो कुछ भी एंटर कर रहे हैं, वेदर वो डेटा है या वो इंस्ट्रक्शंस हैं, हम उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट कहते हैं। और उस डेटा या इंस्ट्रक्शंस को जिन डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में एंटर किया जाता है उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस सेंड दिस डेटा टू द प्रोसेसिंग यूनिट। जब हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा एंटर करते हैं तो इनपुट डिवाइसेस उस डेटा को प्रोसेसिंग यूनिट को सेंड कर देती हैं ताकि वहां पे उस डेटा को प्रोसेस किया जा सके। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर माउस एंड कीबोर्ड। तो हमारे पास वैसे तो और भी काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन अगर हम कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस की बात करें जो कि हर कंप्यूटर में देखने को मिलती हैं, तो वो माउस और कीबोर्ड है। उसके बाद हम आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस की तरफ। प्रोसेसिंग डिवाइसेस प्रोसेस द डेटा। वो डेटा जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में एंटर हो चुका है, अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस उस डेटा को प्रोसेस करेंगी। प्रोसेसिंग डिवाइसेस कन्वर्ट द एंटर डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो डेटा हमने एंटर किया, प्रोसेसिंग डिवाइसेस उस डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगी। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी आर द प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अगर हम कंप्यूटर के अंदर लगी हुई प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या जिसको प्रोसेसर भी कहा जाता है और मेन मेमोरी, ये दो प्रोसेसिंग डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ।
आउटपुट डिवाइसेस को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आउटपुट क्या होती है। द डेटा प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। डेटा प्रोसेस होने के बाद जिस इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है उस इन्फॉर्मेशन को ही आउटपुट कहा जाता है, और इसी आउटपुट को यूजर तक पहुंचाने के लिए, यूजर को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस को यूज किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। मॉनिटर, LCD, स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस। अब हम आते हैं स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। स्टोरेज यूजली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। बेटा स्टोरेज दो टाइप्स की होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में जब मैंने मेन मेमोरी की बात की तो मेन मेमोरी भी बेसिकली डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती हैं, जबकि हमारे पास कुछ और भी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं, जैसे हार्ड डिस्क, USB, CD, DVD वगैरह। लेकिन मेन मेमोरी में और हार्ड डिस्क, USB, CD या DVD, इनमें डिफरेंस ये है कि मेन मेमोरी डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है, जबकि हार्ड डिस्क, USB, CD और DVD ये डिवाइसेस डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। तो कंप्यूटर में मौजूद ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं, हम उन डिवाइसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज यूजली रेफर्स टू द सेकेंडरी स्टोरेज। इस बात का मतलब ये है, जब मैं स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। मेन मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली। मेन मेमोरी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली स्टोर करती हैं, तो इस वजह से मेन मेमोरी को हम सेकेंडरी स्टोरेज नहीं कह सकते। वाइल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, USB, CD एंड DVD एटसेट्रा। तो जैसे मैंने पहले भी बात की, जो कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो हार्ड डिस्क, USB, CD और DVD हैं, जिनके बारे में आपने डेली लाइफ में सुना भी होगा और यूज़ भी किए होंगे। तो बेटा इन चारों कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के बाद मुझे ये पता चला कि कंप्यूटर का जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसकी पिक्टोरियल फॉर्म आपके सामने है, जिसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर डाटा एंटर करता है, उसके बाद उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करने के बाद उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, इस बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए हमें ये चारों प्राइमरी कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है। हम इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं ताकि हम उनके थ्रू कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकें। उसके बाद हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं ताकि हम उस एंटर हुए हुए डाटा को प्रोसेस कर सकें। उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जो कि प्रोसेस होने के बाद इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो बेटा इसी बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को अगर डायग्राम की शक्ल में मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, मैं उसकी मज़ीद डेप्थ में जाऊँ, तो उसकी डायग्राम कुछ ऐसे होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि हम डेटा को ही इनपुट कहते हैं, हम प्रोसेस को प्रोसेसिंग कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को ही आउटपुट कहते हैं। तो मैंने वो डेटा एंटर किया, मतलब मैंने कंप्यूटर को इनपुट दी। किन के थ्रू दी? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। उसके बाद वो डेटा प्रोसेसिंग डिवाइसेस के पास चला गया। मेन मेमोरी उस एंटर हुए हुए डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, मतलब अपने पास रखती है। CPU उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद यही डेटा या इन्फॉर्मेशन अगर मैं फ्यूचर में यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इनको स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर देता हूँ, और अगर मैं इनका रिजल्ट देखना चाहता हूँ, इनकी मीनिंगफुल फॉर्म, मतलब मैं इनकी इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ, तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मुझ तक पहुँचा दी जाती। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। हमें पता चला कि देर आर 4 प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। नंबर 1, इनपुट डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं। नंबर 2, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो उस एंटर हुए हुए डाटा को प्रोसेस करती हैं और उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती हैं। नंबर 3, आउटपुट डिवाइसेस। और ये वो डिवाइसेस हैं जो कि उस इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाती हैं। नंबर 4, स्टोरेज डिवाइसेस। ये वो डिवाइसेस हैं जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस या इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करती हैं, ताकि अगर हम उनको फ्यूचर में यूज़ करना चाहें तो हम उनको यूज़ कर सकें। तो बेटा आई होप इस लेक्चर में आने वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फर्स्ट चैप्टर को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।